गाइस, मैं आप लोगों के पास फिर से एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हो गई हूँ। आज का रेसिपी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही प्रोटीन भरा है। आज मैं आप लोगों के लिए मटर आलू की सब्जी का रेसिपी लेके आई हूँ। कुछ नए अंदाज में आज हम मटर आलू की सब्जी बना के रेडी करेंगे, वो भी प्रेशर कुकर में। आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। आज तो मैं यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार ले लिया हूँ। मटर आलू सब्जी के लिए हम कुछ मसाला पीस के रेडी कर लेंगे। मैं यहाँ पे कुछ लहसुन ली हूँ, कटी हुई अदरक ली हूँ और दो मीडियम साइज टमाटो को हम काट के यहाँ पे डाल देंगे और अच्छे तरह से सारी चीजों को ग्राइंड कर लेंगे। फिर हम प्रेशर कुकर को गैस के ऊपर चढ़ा लेंगे गर्म होने के लिए। जब हमारा प्रेशर कुकर गर्म हो जाए तब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक छोटी चम्मच हम जीरा डालेंगे। ध्यान रखिएगा, जब ऑयल बहुत ही अच्छे तरह से गर्म हो जाए तभी जाके जीरा डालनी है। जीरा जब डालेंगे तो अच्छे तरह से चटकना चाहिए। इन छोटी छोटी चीज को आप ध्यान रख के अगर सब्जी बनाएंगे तभी जाके आपका सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं प्याज को एकदम चॉप करके ले लिया हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से प्याज को चॉप कर लेनी है। इस तरह से चॉप कर लेने से क्या होता है कि हमारा ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छा तरह से बनता है। इसीलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखनी है, प्याज को एकदम चॉप करके लेना है। हम ऑयल में प्याज डाल के अच्छे तरह से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जो हमारा अच्छे तरह से गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है, अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। आपको एक चीज का ध्यान रखनी है, जब प्याज आपका हो जाए तो आप एक साथ हल्दी पाउडर एंड लाल मिर्च पाउडर को ऑयल में डाल के अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें क्या होता है, जो सब्जी में जो कलर आता है वो बहुत ही मस्त कलर आता है। आपको एक्स्ट्रा कोई भी कलर यूज करने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए आपको एक साथ ही दोनों चीज को डाल के मिक्स करनी है। और मैं इसमें एक छोटी चम्मच आमचूर पाउडर यूज की हूँ, ये एकदम ऑप्शनल है। फिर मैं कटी हुई आलू को यहाँ पे डाल के अच्छे तरह से मिक्स कर लूंगी। कटी हुई आलू को अब डालने से आलू में बहुत ही अच्छे से एक कलर आ जाएगा, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा ग्रेवी में। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा कलर आ गया। अगर हम इस तरह से आलू को भून लेंगे तो हमारा जीरा का फ्लेवर भी आलू में बहुत ही अच्छा आता है। फिर हम पिसी हुई मसालों को आलू में डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाला और आलू को पकने के लिए 4 से 5 मिनट तक हम छोड़ देंगे। आलू मटर की सब्जी तो आप कई बार बनाए होंगे, लेकिन मेरी बताई हुई टिप्स के साथ एक बार जरूर ट्राई कीजिए। देखना, घर में बस इसी सब्जी का डिमांड होगा, सभी लोग उंगली चाट के खाएंगे। रेसिपी अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी कैसा लग रहा है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आलू और मसालों को अच्छे तरह से पकने के लिए हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बस लगाना नहीं है, ऊपर हम इसे अच्छे तरह से ढक लेंगे। बीच बीच में ढक्कन हटा के हम थोड़ा सा मसालों को चला लेंगे, नहीं तो नीचे से वो लग जाता है। तो जब हमारा 30% पक जाए तब हम क्या करनी है, छिली हुई मटर को इसमें डाल देनी है। मैं यहाँ पे 1 कप मटर लिया हूँ। मटर डाल के हम अच्छे तरह से मिक्स करके बस और 1 मिनट के लिए मटर के साथ हम इसे पकने देंगे। आप यही सोच रहे हैं ना, मैं प्रेशर कुकर बंद करके क्यों नहीं इसको सीटी लगा के पका नहीं सकती हूँ क्या? मैं इसलिए इसे थोड़ी देर के लिए मसालों के साथ अच्छे तरह से सोते कर रही हूँ, क्योंकि मसाला का जो फ्लेवर है वो आलू और मटर के अंदर अच्छे तरह से जाना चाहिए, तभी जाके टेस्टी मटर आलू सब्जी बनेगी और खाने में बहुत ही मजा आएगी। फिर हम 1 कप पानी डालेंगे और पानी और मसालों को अच्छे तरह से मिक्स कर प्रेशर कुकर का ढक्कन को हम अच्छे तरह से बंद कर लेंगे। हमारा 2 सीटी यहाँ पे लग चुका है। सीटी मारने के बाद हम प्रेशर निकलने तक वेट करेंगे। जब प्रेशर कुकर से पूरा गैस निकल जाएगा तब जाके हमें ढक्कन खोलना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना टेस्टी और कितना यम्मी दिख रहा है हमारा ग्रेवी। मटर आलू की सब्जी हमारा अभी 90% बन के रेडी हो गया है, बस अब थोड़ा सा कुछ करना है। चलिए फिर क्या है देख लेते हैं। सबसे लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करके अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और कटी हुई धनिया पत्ती इसमें डालेंगे, जिसके कारण करी में बहुत ही अच्छे तरह से फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हमारा मटर आलू की सब्जी रेडी हो गया है। चलिए फिर हम जल्दी जल्दी इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। मेरी मुंह में तो पानी आ रहा है। आप भी घर में जरूर ट्राई कीजिए और रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। बाय बाय।